आगामी चुनाव से पहले जहां एक तरफ विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं अपनी पैट बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय दलों से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वहीं विपक्ष की देखा देखी बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ गठबंधन की संभावनाओं को टटोल रही है। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की क्या स्थिति है ये सभी जानते हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तब कहा जा रहा था कि बीजेपी का जादू 2019 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हुए उपचुनाव में विपक्षी एकता के आगे बीजेपी टकमगा गई। पहले गोरखपुर और फूलपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर बीजेपी की किरकिरी हुई, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री अपनी सीटें नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, कैराना और नूरपुर में हुए उपचुनाव में भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसने पार्टी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी है। और यही वजह है कि अब पार्टी यूपीए में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे संकेत मिले हैं कि बीजेपी कुछ और छोटे दलों के साथ आने वाले चुनाव में तालमेल बैठा सकती है। कहा जा रहा है कि कई छोटे दलों ने भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, जिस पर बीजेपी इनके प्रभाव का आकलन कर रही है। इनमें से एक दो को गठबंधन का मौका भी मिल सकता है। महान दल, लोकदल जैसी कई पार्टियां हैं जिन्होंने उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में बीजेपी अब किसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।